हाय गाइस, स्टोरी बहुत लंबी है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि हो सके तो एक लाइक एक शेयर जरूर करे और सब्सक्राइब भी करे। थैंक यू। पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग भाई का फोन आता है और निशी जी जो है वो फोन पे उससे बात करती है। तो निशी जी ये फोन देख के बोलती है कि मुझे आपसे बात करके खुशी हुई करके, और तब ये दिखाते हैं कि लिंग भाई बोलती है कि मुझे ये ने बताया था कि आप मेरी फैन है करके, मुझे आपसे इन पर्सन में मिलके बहुत खुशी हो रही है करके। और तभी मिसेस ही जो होती है वो बहुत ही ड्रामेटिक होती है, अपने हस्बैंड पे एक हाथ अपने सिर के ऊपर करती है और लेट जाती है और बोलती है कि डियर क्या मुझे कोई ड्रीम आ रहा है क्या अभी। तभी उनका हस्बैंड बोलता है कि हनी तुम काम डाउन हो जाओ, ये कोई ड्रीम नहीं है करके। तभी मिसेस ही बोलती है कि आप मुझे पिंच करो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब सच में हो रहा है, क्योंकि ये लिंग भाई की फैन है इसलिए ऐसा लगता है इसे कि जो भी हो रहा है वो सपने जैसा है। तभी उसके हस्बैंड उसकी नाक पे पोक करते हैं और ई और लिंग भाई उनकी ये हरकतें देखते हैं करके। और तभी लिंग भाई बोलती है कि मिसेज ई आप ठीक हैं क्या। तभी मिसेज ई बोलती है कि अरे ये कोई सपना नहीं है, मैं वाकई में लिंग भाई के साथ वीडियो चैट कर रही हूँ करके वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी मिस्टर ई बोलते हैं कि हाँ वो बहुत ठीक है और बस वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई है, उसने सोचा नहीं था कि तुम्हारी और उसकी बात होगी, आखिरकार तुम उसकी फेवरेट एक्ट्रेस हो करके। तभी लिंगवाई बोलती है कि ये मेरा ऑनर है कि मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ करके। तो लिंगवाई बोलती है कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया और लाइक किया उसके लिए थैंक यू, और मैं आपके लिए हमेशा अपने शो के लिए जो भी है अच्छी सीटें जो है रिजर्व करके रखूंगी करके। तो लिंगवाई की जो मतलब ये हमारी मिसेज ही होती हैं वो बोलती हैं कि ठीक है क्या तुम सच में मेरे लिए ऐसे सीट्स को मतलब रिजर्व करके रखोगी क्या, और बहुत खुश हो जाती है क्या मैं मुझे पहली सीट फ्रंट सीट मिल सकती है क्या। तो लिंगवाई हंसती और बोलती है जो फ्रंट सीट्स होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है मिलना, लेकिन अभी तक मैंने तो कोई अच्छा प्राइज भी नहीं जीता है करके, पर मैं आपके लिए फ्रंट सीट जो है वो हमेशा बुक करूंगी। और ऐसे हंसते हुए वो लोग चैट करते हैं। तभी मिसेज ही बोलती है कि लिंग भाई मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ और मैंने तुम्हारी हर मूवीज को देखे हैं और तुम्हारी जो एक्टिंग स्किल है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब दिखाते हैं कि लिंग भाई ने किसी पुराने सीरीज में काम किया होता है जिसमें वो एक बैंडिट होती है और उसका रोल जो होता है वो फीमेल बैंडिट का होता है, और वो कैसे गन से बुलेट्स वगैरह निकालती है, और उसकी इस शो का नाम होता है फ्लाइंग सोलो ऑन सनसेट। तो मिसेस लिंगबाई वही याद करती है और बोलती है कि तुम उस शो में बहुत ही अच्छी दिख रही थी और तुम बहुत ही ज्यादा कूल थी। और तभी उसे याद आता है कि कैसे लिंगबाई ने अपने एनिमीज को गन के द्वारा डाउन कर दिया था और उन पर विजय प्राप्त कर ली थी, और वो बोलती है कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर की ही तरह था, जैसे कि तुम्हारे ग्रैंडफादर यंग एज में थे वैसे ही तुम भी परफॉर्म कर रही हो अपने इस एज में। तो लिंग भाई थैंक यू बोलती है और वहीं पे ही सोचता है बैंडिट, और वो बोलता है कि मॉम क्या मैंने तो कभी आपने कभी सोचा नहीं होगा ना कि मैं और लिंग भाई सेम मूवी में काम करेंगे करके। तो ये बोलता है कि मैंने तो कहा ही था कि मैं काम करूंगा लेकिन आपने कभी मेरे पे भरोसा नहीं किया। तो उसकी माँ बोलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने आज तक जितनी भी एक्टिंग की है वो सब ऑकवर्ड है और मैं तुम्हारे स्किल्स को अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैंने कभी तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं किया। और ये एक बहुत ही चमत्कार वाली बात है कि उन लोगों ने तुम्हें लिंगवाई के साथ काम करने के लिए चुना है करके। तभी लिंगबाई बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, ही जो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है और वो बहुत ही मेहनत करता है अपने काम को करने के लिए, और वो जो है मेहनत करने के से कभी डरता नहीं है, और आप मानो या ना मानो वो अपने रोल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है और एक दिन वो कुछ बहुत बड़ा बनेगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मिसेस लिंगबाई बोलती है कि सच्ची में ऐसा है क्या। तो लिंगवाई की जो ये आंटी है मतलब ये इनकी मॉम है वो बोलती है कि हाँ ये तो तुमसे बहुत कुछ सीखना बाकी है करके, वो फोन में बहुत खुशी खुशी उसको देख रही हो। और फिर वो बताती है कि मैं उसका ये ड्रीम कभी भी एक्टर बनने का एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, बट मैंने तुम्हें एक्टिंग करते हुए देखा और जब मैंने देखा कि तुम्हारा वर्क कितना पैशनेट है, तुम अपने एक्टिंग के लिए कितना
हार्ड वर्क करती हो, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक बहुत ही अच्छा जॉब है, और फिर मैंने यही को इस काम को करने से कभी रोका नहीं और उसे ये काम करने दिया। और यदि तुम नहीं होती तो मैं शायद उसको कभी ये काम नहीं करने देती। तो लिंग भाई बोलती है ठीक है मैं समझ गई करके, और वहीं यही सोच रहा होता है कि क्या मेरा जो एक्टिंग था जो मैंने पहले किया उससे कभी भी मेरे पेरेंट्स का दिल कभी मूव नहीं हुआ क्या करके। और तभी यही भाभी से बोलता है कि मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो। तो लिंग भाई हंसती है और फिर वो लोग का चैट चालू होता है। लिंग भाई बोलती है ये मेरा ऑनर है कि मेरी आपसे बात हुई करके। और तभी यही सोचता है कि ये दोनों एक दूसरे से बात करने में बड़े बिजी हैं और बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। अब दूसरा सीन आता है जब सब लोग अपने बच्चों को स्कूल से ले जा रहे होते हैं हाथ पाथ पकड़ के, और यहाँ हमारे सीईओ को दिखाते हैं कि सीईओ भी रूरू को गोद में लेके जा रहा होता है। अब पिछले एपिसोड में मैंने बताया था ना कि लिंग क्या कहते हैं यी के पेरेंट्स आ गए हैं जो रूरू को पिक करना चाहते हैं, जिससे वो पैनिक हो रहा होता है। तो वो यही सीन है जहाँ पर ये आ रहे होते हैं। तो रूरू पूछता है कि फैंग फैंग हम क्या घर नहीं जा रहे हैं क्या। तो फिर बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, और तभी सीईओ रूरू को गोदी से नीचे उतारता है और वो रूरू को बोलता है कि थोड़ी देर रुको, यी के जो पेरेंट्स हैं वो लोग वापस आ गए हैं और हमें उनको उनका वेट करना है यहाँ पर, फिर हम लोग साथ में डिनर करेंगे। तो रूरू बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि ब्यूटी एंड हैंडसम जो है कि वो वापस आ गए हैं, कहाँ है वो कहाँ है वो करके। तो सीईओ को समझ में नहीं आता है कि ये किसको ब्यूटी और हैंडसम बोल रहा है, पर ये निकनेम दिया होता है रूरू ने ही के माता पिता को यानी अपने दादा दादी को। तो रूरू बोलता है कि रूरू उन लोगों को बहुत ही मिस कर रहा है करके। और तभी सीईओ अपनी घड़ी देखता है और बोलता है कि वो लोग यहाँ आते ही होंगे, कभी भी आते होंगे, जल्दी आ जाएंगे। और रूरू बोलता है कि उनको कहो जल्दी आने के लिए, आखिरकार रूरू जो है उसको भूख लग रही है, रूरू इज हंग्री करके। तो सीईओ भी देखता है, उसको नर्वसनेस हो रही होती है, वो फिर सोचता है कि क्या मेरे कपड़े अच्छे हैं और क्या मेरे बाल अच्छे हैं, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ करके, क्या मैं बहुत फॉर्मल कपड़े टाइप पहन के आ गया हूँ क्या, क्या मुझे चेंज करना चाहिए क्या, क्या वो लोग उनको ये मुझे मेरे ऐसे कपड़ों को माइंड करेंगे क्या। लेकिन रूरू को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूरू तो इधर उधर देखने लगता है कि अभी तक क्यों नहीं आए वो लोग, क्योंकि रूरू उनको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। और तभी सीईओ अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कितना अजीब है, मुझे इतना नर्वसनेस क्यों फील हो रहा है करके। तभी इन लोगों की बातें चल ही रही होती हैं और यी को मैसेज आता है फैन का कि रूरू अब मेरे साथ है करके, है और हम लोग जो है स्कूल के गेट पे भी पहुंच गए हैं। तो यी ये मैसेज देखता है और बोलता है कि लिंगवाई को इशारा करता है कि काम हो गया है करके, और अपनी माँ को बोलता है कि माँ बहुत लेट हो गया है, आपको रूरू को पिक करने जाना था ना। तो उसकी माँ बोलती है हाँ हमें जाना था, हम तो चैट करने के चक्कर में भूल ही गए थे। तो वो बोलती है कि लिंगवाई हम किसी और दिन बात करेंगे, और लिंगवाई बोलती है कि ठीक है आपका जब मन करे तब आप हमें कॉल करना करके, और वो मिसेस यी को बाय करती है। और तभी ये भी बोलती है कि मैं यी को बोलूंगी कि आपको मेरा नंबर वगैरह भी दे दे। और तभी जो यी की माँ होती है वो बोलती है यी को कि तुम मेरा नंबर लिंग भाई को देना, भूलना नहीं करके। और खुशी खुशी वो फोन में देख के फोन रखने वाली होती है, और यी बोलता है ठीक है मैं दे दूंगा, और फिर वो फोन रख देते हैं। और तभी इसकी माँ को फिर से मतलब वो पागलपन जैसे दौरे पड़ने लगते हैं खुशी के, और बोलती है मिस्टर यी मैंने अभी अभी लिंग वाई से फेस टू फेस बात की है करके, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ करके। तो उसका हस्बैंड उसे देखता है और बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम मिस्टर एंड मिसेस ही से भी बहुत अच्छे से ऐसे ही बात कर लोगी। और तभी ये भी बोलता है कि मॉम और डैड से बात करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, यानी उसके सास ससुर से बात करना। तो मिसेज जी बोलती है कि हाँ आप हमेशा राइट है मिस्टर जी, आप हमेशा राइट होते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि चलो चलते हैं रूरू को पिक करते हैं, और दोनों एकदम लवी डवी हो रहे होते हैं, उनके बैकग्राउंड में फूल वूल दिल विल सब चल रहे होते हैं, और दोनों रूरू को पिक करने के लिए जाते हैं। अब सीन
सीईओ जो है वो गहरी गहरी सांस ले रहा होता और अपने मन में बोल रहा होता है कि रिलैक्स, काम डाउन, क्योंकि उसे बहुत नर्वसनेस हो रही होती है। तभी रूरू देखता है और रूरू को दिखाई देते हैं ब्यूटी एंड हैंडसम, यानी ही के पेरेंट्स दिखाई देते हैं। सीईओ भी तिरछी नजर से देखता है और बोलता है कि तुम केयरफुल रहो, गिर मत जाना। रूरू तेजी से भागता हुआ जाता है और बोलता है ब्यूटी हैंडसम, और तभी दोनों हस्बैंड वाइफ देखते हैं कि रूरू उनको देख रहा है और वो रूरू को देख के खुश हो जाते हैं, भागते हुए जाते हैं और रूरू को गोद में उठाते हैं, बोलते हैं माय स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और तभी ये लोग भी बोलते हैं कि मैंने भी तुमको बहुत मिस किया। फिर दोनों इन तीनों की नजर जाती है सीईओ पे, क्योंकि सीईओ तो बेचारा अकेला छूट गया है। और तभी सीईओ आके बोलता है कि नाइस टू मीट यू मिस्टर ई एंड मिसेज ई। और फिर सीईओ बोलता है कि मैं जो हूँ वो यी का फ्रेंड हूँ और मेरा नाम फैंग है करके। तो यी के पेरेंट्स बोलते हैं कि नाइस टू मीट यू, हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई। और वो ये भी बोलते हैं कि आप इतने समय से रूरू की देख रेख कर रहे थे क्या, और आप इतना काइंड होने के लिए और देख रेख करने के लिए थैंक यू करके। तो सीईओ बोलता है यू आर वेलकम। अब क्या होता है, रूरू बोलता है कि इंट्रोडक्शन देता है कि ये जो है वो फैंग फैंग है करके। और तभी सीईओ बोलता है यदि आप लोगों को कोई एतराज नहीं है तो आप लोग मेरी जगह पे चलिए, वहां डिनर करेंगे, डिनर रेडी है और रूरू को भी भूख लगी है करके। तो रूरू अपने हाथ ऊपर करता है और बोलता है रूरू इज हंग्री, रूरू इज हंग्री। तो दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि क्या ही करें। फिर वाइफ ये की माँ बोलती है कि हाँ ठीक है, हम तो अभी ही आए हैं, वैसे भी हमारे घर में के फ्रिज में कुछ है नहीं और हम रूरू को ऐसे भूखा भी नहीं मार सकते हैं। तो ये लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्या होता है कि मिस्टर ही एंड मिसेस वी जो है सीईओ के घर जाते हैं, और ये घर जो होता है बहुत ही आलिशान होता है। वो अपने मन में सोचते हैं कि कितना खूबसूरत घर है। तभी सीईओ बोलता है कि आप लोगों का स्वागत है, पीछे में एड्स भी खड़े होते हैं। और तभी मिसेज ही बोलती है कि क्या हमारे बच्चे का कोई ऐसा फ्रेंड सच में है क्या। तो मिस्टर ही भी बोलता है कि हाँ शायद, पर मुझे नहीं लगता कि ये लोग एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। फिर मिसेज ही बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगता है करके। और तभी मिसेज ही इधर उधर देखती है और बोलती है कि जो मुझे तो लगा था कि ये के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो हमारे घर के बाजू के पड़ोसी की तरह ही होंगे, मुझे याद नहीं पड़ता कि इतना रिच कोई फ्रेंड ये का ऐसा हो सकता है करके। तभी सी ये की माँ बोलती है कि मेरा सारा अटेंशन जो था वो रूरू पे था, तो मैंने मिस्टर फैंग को अच्छी तरीके से नहीं देखा। अब जब मैं इसको ऐसे देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके जैसा आदमी, इतना बड़ा ऐसा आदमी हमारा कभी भी रास्ता कैसे क्रॉस कर सकता, मतलब हम ऐसे बड़े आदमी से कभी कैसे मिल सकते हैं। तभी ये का बाप बोलता है कि हाँ ये बात भी सही है। और रूरू को समझ में नहीं आ रहा होता, सीईओ को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये दोनों लोग क्या फुसफुसा रहे होते हैं। तभी रूरू आगे जाता है और लड़की को बोलता है कि बिग सिस्टर अब मेरा फ्राइड चिकन कहाँ है। अब रूरू के दिमाग में तो सिर्फ ये चिकन और खाने के कुछ होता ही नहीं है। तो रूरू बहुत हैप्पी हो रहा होता है और बोलता है कि टैंग टैंग ने कहा था कि आज के दिन रूरू जो है फ्राइड चिकन खा सकता है करके। तो जो बिग सिस्टर होती है वो बोलती है कि ये तैयार है लिटिल मास्टर, और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है और आप इसको कभी भी किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, पर इससे पहले आप इसे खाएं आपको अपने हाथों को वॉश करना जरूरी है करके। तो रूरू बहुत खुश हो जाता है, बोलता है हुर्रे, और वो फटाफट भागने लगता है क्योंकि उसे अपने हाथ धोने हैं करके। रूरू फटाफट जाता है और एक स्टूल लगाता है, अब स्टूल पे लगा के चढ़ के अपने हाथ धोने लगता है। और उसके बाद मिसेज ये सोचती है कि रूरू जो है इस प्लेस पे बहुत ही फैमिलियर है करके, और वो तो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे ये उसी का घर हो। तो फैन बोलता है, हमारा सीईओ बोलता है कि मिस्टर ही मिसेज ही आप लोग इस तरफ आइए, हम लोग डाइनिंग रूम में डिनर करने चलते हैं। तो मिसेज ही बोलती है कि श्योर हम लोग चलते हैं करके और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर दिखाते हैं कि खाने की तरह तरह की चीजें हैं, सब लोग डिनर टेबल पे बैठते हैं और रूरू तो वैसे ही गप गप करके खाना चालू कर देता है, उसका मुंह एकदम बल्ज कर रहा होता है, खाना उसके मुंह में गप गप भरा होता है। अब सीईओ और ही के फादर दोनों ही क्रिस्पी चिकन उठाते हैं, और उन दोनों ने क्रिस्पी चिकन उठाया होता और रूरू की आंखें एकदम
चमक पड़ती है क्योंकि उसको लगता है कि ये चिकन तो उसी को मिलने वाला है करके, और वो दोनों उठा के उसको रूरू की प्लेट में रखते हैं, और रूरू ये देख के बहुत खुश हो जाता है कि उसको फ्राइड चिकन मिला, ऊपर से ये चिकन उसको दो दो मिले हैं। लेकिन सी और मिस्टर जी एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से तो मतलब कौन पहले खाएगा करके चल रहा है, और यहाँ पर रूरू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी ऑकवर्ड पोजीशन हो रही हो, रूरू बहुत मजे से यम यम करके गप गप करके अपने फ्राइड चिकन को खाता है। और तभी मिस्टर जी अपने मन में सोचते हैं कि जो पीस मिस्टर टैंग ने दिया था रूरू ने उसको पहले खाया है करके, और ये देख के मिसेज जी भी थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर रही होती है। अब फिर से वो लोग एक बार फिर अपना चॉपस्टिक उठाते हैं और फिर से वो मीट का पीस उठाते हैं, इस बार फिर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं क्योंकि इनमें कॉम्पिटिशन चल रहा है कि रूरू किसको ज्यादा प्यार करता है करके। तो रूरू बहुत खुश होता है, बोलता है अरे इस बार भी मीट है मीट है, और इस बार भी उसकी प्लेट में दो टुकड़े मीट के रख दिए जाते हैं, और रूरू बहुत खुश हो जाता है। और वो बोलता है कि भाई चिकन विंग है उसके पास, और चिकन विंग है और उसके पास मीट भी है, और उसका जो छोटी सी प्लेट है उसमें एक पहाड़ सा बन जाता है खाने का। अब क्या होता है, सीईओ थोड़ा सा रूरू को पीछे करता है, और यहाँ पर मिस्टर ई सोचते हैं कि जो मिस्टर फैंग है मतलब हमारे सीईओ है उनको रूरू की पसंद बहुत अच्छे से पता है करके, तो वो पूछता है कि आपको क्या रूरू की पसंद अच्छे से पता है, तो और सीईओ भी बोलता है हाँ, और सब फिर सीओ एकदम टाइडी अप होके बैठ जाता है क्योंकि उसके हिसाब से तो ये उसके सास ससुर है। तो मिसेज ये पूछती है कि आप हमारे बेटे से कब मिले, तो सीओ बोलता है नहीं ये की माँ बोलती है कि मैंने कभी ये से आपके बारे में सुना नहीं, तो सीओ देखता है, और सीओ उन लोगों को देखता ही रहता है, अपनी चॉपस्टिक को नीचे रखता है, और फिर बोलता है कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, और फिर वो बताता है कि जब रूरू पैदा नहीं हुआ था हम तब से जानते हैं एक दूसरे को, और मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और तभी ये की मदर जो होती है वो सोचती है कि इतना लंबे समय से जानते हैं, पर यदि जानते होते तो मैं तो ये के सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ, तो मैंने ये ने कभी इनका मेंशन भी नहीं किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है करके। तो ये की माँ पूछती है कि तुम लोग कहाँ मिले थे, और तभी अपने मन में ये भी सोच रही होती है कि ये ने रूरू के लिए उस आदमी को छोड़ दिया था, और ये भी हो सकता है कि ये लोग एक दूसरे के क्लोज हो करके। तो सीओ बताता है कि हम लोग अब्रॉड में मिले थे, मैं वहां पर पढ़ाई कर रहा था, और जो ये है वो वहां पर रूरू के जन्म का इंतजार कर रहा था, ऐसे करके हम लोग मिले थे। तो क्या कहते हैं, सीओ बोलता है कि हम लोग दोनों मिलके रूरू के जन्म का एक साथ इंतजार कर रहे थे। अब दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं, और उन्होंने मेन पॉइंट पकड़ा होता है कि ये दोनों मिलके इंतजार कर रहे थे, टुगेदर वेट कर रहे थे। अब हमारा रूरू जो है इन सब बातों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना खाना गप गप करके खाने में बिजी है। सब लोग देखते हैं रूरू को कि रूरू कितना बिजी है खाना खाने में। अब मिस्टर यी बोलते हैं कि जो यी है वो एक बहुत ही ऑकवर्ड टाइप का लड़का है, और बहुत शांत भी रहता है उस टाइम पे, और जब उसने रूरू का मतलब जन्म देने का फैसला किया था तो वो वहां चला गया था, अब्रॉड चला गया था, और उसने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया था, हमें लगा था कि वो इन सब चीजों से अकेला गुजर रहा है, पर हमें जान के खुशी हुई कि तुम्हारे जैसा कोई फ्रेंड उसके साथ था उस टाइम पे। तो मिस्टर ही बोलते हैं कि मेरे सन का ख्याल रखने के लिए और उसकी केयर करने के लिए थैंक यू, और रूरू का भी ख्याल रखने के लिए थैंक यू करके। तो सीओ बोलता है हाँ वेलकम, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करके। तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है आखिरकार, उन्हें तो अभी तक नहीं पता है इनके बारे में। तभी देखते हैं कि बहुत सारे खिलौने पड़े हुए हैं, और जो रूरू है वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है और बोलता है डकी प्रिंस। तभी सीईओ आता है और बोलता है कि आप क्या रूरू के साथ थोड़ी देर खेल सकते हैं क्या, और तभी यी की माँ बोलती है ठीक है हम रूरू के साथ खेलेंगे, और तभी सीईओ बोलता है कि मुझे माफ करना आप लोग मेरे गेस्ट हैं और मुझे आपको होस्ट करना चाहिए, लेकिन मेरा कुछ काम अभी भी पेंडिंग है, तो
तो मैं स्टडी रूम में जाऊंगा और काम करूंगा, और मेरी एक मीटिंग भी है जो अभी एंड होने वाली है और उसमें वीडियो मीटिंग है, तो मुझे काम करना पड़ेगा, तो आप थोड़ी देर रूरू के साथ खेल लीजिए। तो मिस्टर ये बोलते हैं कि हाँ वर्क जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो हम लोग रूरू के साथ खेलेंगे। तो सीओ बोलता है कि मुझे 30 मिनट लगेंगे और फिर मैं आ जाऊंगा, और बोलता है आप लोगों को ट्रबल करने के लिए सॉरी। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ फिर सोचने डूब जाते कि आखिर क्या ही चल रहा है, एक दूसरे को देखते हैं। अब इसकी माँ बोलती है ये कि मुझे बहुत ही वियर्ड फीलिंग हो रहा है, और क्या कहते हैं मिस्टर ये भी बोलते हैं कि हाँ मुझे भी हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कैसे इसको एक्सप्रेस कर दूं और ये बहुत ही वियर्ड फील हो रहा है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ बात करने लगते हैं, और वाइफ बोलती है कि मिस्टर ये हमको रूरू को घर वापस ले जाना चाहिए, ये यहाँ पर बहुत समय से है और मुझे नहीं लगता कि ये अप्रोप्रिएट है टाइम के घर में इस तरह देर तक रुकना। तो मिस्टर ये बोलते हैं कि लेकिन मिस्टर टैन जो है वो अभी काम कर रहे हैं, और यदि हम रूडू को ऐसे ले जाएंगे तो ये पोलाइट फील नहीं होगा घर पे। तो मिस्टर ये बोलती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो मिस्टर ये सोचने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें रूडू के साथ थोड़ी देर खेलना चाहिए, और उसी दौरान हमें रूडू का स्टफ भी पैक कर लेना चाहिए, और सीओ आएगा उससे पहले हम रूरू का सब सामान पैक कर लेंगे। अब रूरू को तो कुछ खबर होती ही नहीं, वो अपने डक्स के साथ खेलने में बिजी होता है। और तभी मिस्टर ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि रूरू यहाँ पर बहुत अधिक समय बिता चुका है, तो हम लोग को उसका स्टफ पैक करने में थोड़ा टाइम लगेगा करके। तो मिस्टर ये बोलते हैं ठीक है आप पैकिंग के इंचार्ज में करके। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को देखते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं मीटिंग, जहां पर इस बार उनका माइक भी म्यूट पे है, उनका वीडियो कॉल भी म्यूट पे, सब कुछ जो सीईओ है वो म्यूट पे कर देता है और बैठता है। और वहां पर ये को दिखाते हैं फोन पे, और ये पूछता है कि मेरे पेरेंट्स को कोई भी सस्पिशियस लगा क्या तुमसे मिलके। तो सीईओ बोलता है मुझे नहीं लगता, पर उन लोगों ने पूछा था कि हम कैसे मिले हैं करके। और तभी ये बोलता है कि तुमने उनको नहीं बताना कि हम कैसे मिले, क्योंकि इनकी जो पहली मुलाकात होती है वो बहुत ही वियर्ड होती है। उस टाइम पे ये को ये किडनैप करके लेके आए होते हैं ना। तो सीईओ बोलता है नहीं मैंने उनको नहीं बताया, मैंने उनको बताया कि हम अब्रॉड में मिले थे गुरु के पैदा होने से पहले, और ऐसा बोलना ठीक रहेगा। और ये बोलता है कि मेरे पेरेंट्स जो है शायद रूरू को घर वापस ले जाना चाहेंगे करके, और मुझे नहीं पता कि मैं उन लोगों को कैसे एक्सप्लेनेशन दूंगा, और हमारे बीच का कनेक्शन क्या है, और रूरू का हम लोगों से क्या कनेक्शन है, मैं ये कैसे उन्हें बताऊंगा ये मुझे नहीं पता। तो सीओ पूछता है कि तुम्हारा फिर क्या प्लान है करके। और तभी ये बोलता है कि ये लोग एकदम अचानक से आ गए हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं नेक्स्ट कदम क्या करूं, और मुझे ये सब फिंगर आउट करना पड़ेगा करके। अब क्या होता है कि के पेरेंट्स पूछते हैं कि रूरू क्या ये वाकई में तुम्हारा रूम है क्या, और रूरू जो है स्ट्रॉबेरीज खा रहा होता है, और रूरू बोलता है कि रूरू इधर ही रहता है बिस्तर में बैठे बैठे, और दोनों हस्बैंड वाइफ पूरा रूम देख रहे होते हैं। तो रूरू को मिस्टर ये पूछते हैं कि तुम्हारा वार्डरोब कहाँ है, तो रूरू पॉइंट आउट करता है, बोलता है कि मेरे सारे कपड़े वहां पर हैं। और तो मिस्टर ये बोलते हैं कि हनी तुम जाके रूरू के कपड़े पैक करो और मैं तब तक रूरू के ब्रश ब्रश पैक करता हूँ। दोनों एग्री हो जाते हैं और दोनों उसके कपड़े पैक करने लगते हैं। और तभी रूरू बोलता है सोचता है कि दोनों क्या कर रहे हैं। और तभी मिस्टर ये पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है करके। और तभी मिसेज ये बोलती है कि रूरू के जो और ये है उन दोनों के कपड़े यहाँ पर हैं, और लेकिन मुझे किसी और के भी कपड़े यहाँ पर दिख रहे हैं, किसी और आदमी के भी, और लेकिन ये जो साइज है वो हमारे बेटे का साइज नहीं है। तो मिस्टर ये बोलते हैं अच्छा। और फिर वो लोग बाथरूम में देखते हैं, वहां पर बाथरूम में फैमिली पैक की एसेसरीज होती है, मतलब वहां पर 3 टूथपेस्ट होते हैं, 3 ब्रश होते हैं जो 3 तरह के कपों में रखे रहते हैं। और तभी वो लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ रूरू के नहीं है, ये रूरू और ये दोनों के हैं, और साथ में एक और एक व्यक्ति के हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि कहीं सीईओ और ये के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है।
करके, और वो लोग बोलते हैं कि शायद ये लोग कोहैप करके रह रहे हैं। अब क्या होता है कि रूरू इनको बात करते हुए सुनता है और वो एक वर्ड कैच कर लेता है, कोहैबिटिंग। तो वो पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ उसको देखते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे समझाना है करके। तो फिर भी वो बताते हैं कि इसका मतलब होता है कि साथ में रहना, और लिविंग टुगेदर मतलब होता है कि कोहैबिटिंग करना। तो रूरू थोड़ा बहुत समझ जाता है और रूरू खुश होता है और बोलता है रूरू एंड यी जो है वो साथ में रह रहे हैं। और वो यी को पिक्चराइज करने लगता है और बहुत खुश होकर अपने हाथ वाथ सब ऊपर कर देता है। और तभी मिसेस यी सोचती है कि क्या हो रहा है, और तभी वो पूछती है कि रूरू क्या सीईओ और यी वेल। फिर वो सोचती है कि मैं कैसे पूछूं, तो फिर वो बोलती है कि मेरा मतलब है क्या वो भी यहीं पे रहता है क्या। तो रूरू जो है वो अपने हाथ में काउंट करने लगता है, बोलता है कि मुझे काउंट करने दो कि कितने दिन हो गए हैं। अब चूंकि रूरू को मैक्स में कैसे हाथ में याद गिनने की आदत है, तो वैसे ही वो हाथ में गिनने लगता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर 5 दिन, फिर 6, 7। फिर ऐसा करते करते वो बोलता है कि बहुत सारे दिन हो गए हैं, मैं तो इन्हें इतना काउंट भी नहीं कर सकता। तो मिसेज जी बोलती है कि रूरू तुमको पता है क्या कि सीईओ और यी का कौन सा रूम है करके। और तभी रूरू अपने हाथ फैलाता है, बोलता है यही रूम है उनका, और यी और मैं और सीईओ इसी रूम में रहते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं, और रूरू बोलता है कि हम लोग तो साथ में सोते भी हैं और एक ही बिस्तर में सोते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम शॉक होते हैं और वो एक पॉइंट पकड़ते हैं कि टुगेदर स्लीप, यानी दोनों साथ में सो रहे हैं करके। और तभी मिसेज जी फिर से ड्रामेटिक हो जाती है, अपने हस्बैंड पे लेट जाती है और बोलती है ओ माय गॉड हनी ये क्या हो रहा है, यी को वो आदमी पसंद है करके। तो मिस्टर ये बोलते हैं कि हनी कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये कैसा महसूस हो रहा है, ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा एक्सेप्ट करना, लेकिन हमें ये पहले से रियलाइज हो जाना चाहिए था। दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि वो दोनों बहुत दुखी हैं। और तभी वो बोलते हैं कि इसीलिए ही ने गर्लफ्रेंड ढूंढने से मना कर दिया था और शादी नहीं की थी, अब हमें पता हो गया है। तो वो दोनों सोचते हैं कि हम लोग कितने बेकार पेरेंट्स हैं, हमने इस चीज को नेग्लेक्ट कैसे किया है करके। और तभी मिसेज जी बोलती है कि हमारा बच्चा कितना मतलब कितने चीजों से गुजरा होगा, कैसे रहा होगा इतने साल। ये दोनों बहुत ही ड्रामेटिक पेरेंट्स हैं, तो इनका एक अलग से ड्रामा चलता रहता है और रूरू को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा होता है। और वहां पर ही वो पॉट में बैठा होता है, उसे ऐसा लगता है उसे किसी ने याद किया। और तभी मिसेज जी बोलती है कि मिस्टर ही तो क्या कहते हैं, बोलती है कि तुम काम डाउन हो जाओ करके। और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है, और हम इसमें अपने बच्चे को जो है ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हम तो अपने में अपनी दुनिया में ही लॉस थे, इसलिए हमें इतना बहुत लेट पता चला है करके। तो हमें क्या है अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो है कि उसके लिए भी टफ होगा करके, और हमें उसकी जो चॉइसेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मिसेज जी बोलती है कि मैं तो काम डाउन हूँ लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप काम डाउन हो करके। और फिर वो खुशी से वो बोलती है कि हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो शायद हमारे बच्चे को हर्ट करेगा, तो हम क्या करते हैं इसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ कोशिश करते हैं कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करे, और बोलते हैं कि ये जो है वो हमारा बेबी बॉय है, तो वो किसी भी टाइप के पर्सन को पसंद करे वो हमेशा हमारा ही लिटिल बॉय रहेगा करके। और मिस्टर ये बोलते हैं कि ये जो सोसाइटी है इसमें इस टाइप की कम्युनिटी जो है वो उसके लिए सब कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा भारी हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बेटे को सपोर्ट करेंगे और हमें उसको प्यार करना चाहिए और उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ ड्रामेटिक तरीके से गले मिलके अपनी ही दुनिया में वापस खो जाते हैं, और बोलते हैं कि हमारा जो घर है उसके लिए सेफेस्ट प्लेस होगा,
और तभी मिसेस ई बोलते हैं कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन है, और मिस्टर ये आप बस अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं करके। और तभी रूरू अपनी तरफ उन दोनों का ध्यान केंद्रित करता है और बोलता है कि भाई तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, और बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मिस्टर ये बोलते हैं कि रूरू तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो और तुम ये की केयर जरूर करना, ठीक है, और हम सबको यी को ज्यादा प्यार करना चाहिए। ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं जैसे यी पता नहीं कितनी सारी मुसीबतों से गुजरा हुआ है, लेकिन रूरू को कुछ समझ में नहीं आता तो रूरू ओके बोल देता है और बोलता है रूरू जो है वो यी से प्यार करता है करके। और यी फिर से चीखता है और सोचता है कि मुझे कोल्ड हो गया है क्या, और फिर बोलता है सोचता है कि शूटिंग जो है एंड होने वाली है और मैं जो हूँ कोलैप्स नहीं हो सकता हूँ और मुझे बेटर होना बहुत जरूरी है सोच के वो कुछ दवाइयां ठूस लेता है। अब दरवाजे पे नॉक नॉक होता है और सीईओ आ जाता है और बोलता है कि मिस्टर ये मिसेज ये आप लोग यहाँ पर हैं? तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हाँ बोलते हैं और सीईओ बताता है कि मेरा काम खत्म हो गया है और पूछता है कि आप लोग चाहते हैं कि, लेकिन वो इससे पहले अपनी बात खत्म कर सके ये लोग उसे अजीब तरीके से देखते हैं। और मिसेज ही बोलती है फैन, तो सीईओ बोलता है यस। और तभी वो पूछने लगती है कि तुम कितने साल के हो, तुम्हारा क्या जॉब है करके, और तुम्हारा कॉलेज में मेजर क्या था, तुम किस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो और तुम किस फैमिली के मेंबर हो, और हमें तुम अपने पेरेंट्स के बाद बताओ। तो एक तरीके से वो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर बॉम्बार्ड कर देते हैं। और तभी वो ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे पर कोई सिबलिंग्स वगैरह भी है क्या और तुम्हारी हॉबीज क्या है करके। तो सीओ बोलता है मैं 26 साल का हूँ, मैं काम करता हूँ, मेरा फैमिली बिजनेस है, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं, मैंने फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया है, मेरे कुछ कजन्स हैं, मेरा हॉबी है टीवी को देखना। और तभी मिस्टर ई और मिसेज ई जो है एक लिस्ट बना रहे होते हैं और उसमें उसको कुछ प्लस पॉइंट दे रहे होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट दे रहे होते हैं, जैसे कि हर लोग अपने बच्चों की शादी के समय में करते हैं वैसा ये बिहेव कर रहे होते हैं। और तभी सीईओ को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या प्लस कर रहे हैं क्या माइनस कर रहे हैं, और गुरु भी यही कंफ्यूजन में अपने उंगलियों पे चालू हो जाता है गिनना उसका। और तभी ये लोग बोलते हैं कि हमें बेसिक आइडिया तो मिल गया है कि तुम लोग इतने फार तक पहुंच चुके हो तो तुम्हें ठीक से एक्ट करना चाहिए, और फिर वो ओके कह देता है। और मिसेज ये बोलती है कि हम लोगों ने तुमको काफी ट्रबल दिया है, अब हमें रूम को घर ले जाना चाहिए। तो इसलिए बोलता है कि अभी ले जाओगे? तो मिसेज ये बोलती है हाँ, और बोलती है कि हम लोग आ गए हैं तो ये बहुत अप्रोप्रिएट होगा कि रूरू तुम्हारे साथ रहे करके। तो सीईओ सोचता है क्या बोलूं क्या ना बोलूं, तो सीईओ नीचे झुकता और सोचता है कि क्या करूं, लेकिन उससे पहले ही मिस्टर ही नीचे झुक जाते हैं और रूरू की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और बोलते हैं चलो घर चलते हैं। तो रूरू उनको देख रहा होता है और सीईओ भी रूरू को देख रहा होता है और रूरू सीईओ को देख रहा होता है। फिर उसकी नजर जाती है फ्राइड चिकन पे, उसकी डकी पे, उसके फेवरेट स्नैक्स पे। अब रूरू का जो मन है वो तो बेचारा डोल मटोल हो रहा है, यहाँ इतना खाने पीने को है, गेम्स खेलने को है, फ्राइड चिकन है, वो कैसे यहाँ से जा सकता है। तो रूरू ये सब अपने मन में सोचता है और बोलता है नहीं, और बोलता है कि रूरू को वापस नहीं जाना है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ को समझ में नहीं आता है कि ये नहीं क्यों कह रहा है, वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और रूरू बोलता है कि रूरू यहीं रहना चाहता है, और लेकिन रूरू को मन ही मन में गिल्टी भी फील हो रहा होता है। और फिर उसके दिमाग में बल्ब जलता है कि कैसे इस सिचुएशन को ठीक किया जाए। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ रह के ही का वेट करूंगा, और बोलता है ये ठीक रहेगा बोलना। और तभी वो बोलता है कि मैं यहाँ पर ही का वेट करूंगा। तो मिस्टर ये बोलते हैं कि इतने भी नॉटी मत बनो, जो ये है वो डायरेक्टली घर आ जाएगा जब भी वो उसका शूटिंग खत्म होगा, तो तुमको यहाँ रह के वेट करने की जरूरत नहीं है। मिसेज ये बोलती है कि हाँ ये सही है, तुम घर हमारे साथ चलो। तो रूरू बोलता है कि अपने मन में बोलता है कि ब्यूटी तुम घर जाके मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाओगी क्या? और फिर उसको याद आता है कि मिसेज ये तो सब जला देती हैं और जो नाइटमेयर की तरह होता है। और तभी जो रूरू है 2-3 स्टेप्स पीछे लेता है
और बोलता है कि ये जो प्लेस है वो इसे पसंद करता है, एक बेटर प्लेस है। तो गुरु जो है वो इसी प्लेस में यी का इंतजार करेगा क्योंकि यी को ये प्लेस पसंद है, ऐसा कहकर वो बैठ ही जाता है कि अब तो मैं हिलूंगा ही नहीं। तो मिस्टर एंड मिसेस यी उसको देखते हैं और सोचते हैं कि क्या करेंगे, तो यहीं पे बैठ गया है करके, और वो एक दूसरे से बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तभी दिखाते हैं कि फिर से दरवाजे पे नॉक होता है और ये ऑफिस का सीन होता है जहाँ पर एक आदमी जो फैन ग्रुप का है वो बैठा होता है और बोलता है कि तुम अंदर आ सकते हो। और वो बोलता है कि सर आपको इस पे देखने की जरूरत है, यहाँ पर हॉट सर्च क्या चल रहा है। और वहां पर दिखाते हैं कि किसी ने पेड पोस्टर्स रिलीज किए हैं कि मिस्टर पेन जो है वो सीरियसली इल है और हॉस्पिटल में है। और ये भी दिखाते हैं कि ये जो न्यूज है वो हॉट सर्च में चल रही है, और ये लोग बोलते हैं कि हमें अपने पीआर टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए और ये न्यूज को खारिज कर देना चाहिए करके। और वो बोलते हैं कि तुम हमारे पीआर टीम को इन्फॉर्म करो और ये न्यूज को टेक डाउन करो। और यहाँ पर सब दिखा रहे होते हैं कि जो मिस्टर पैंग है उनका क्या हो रहा है, मतलब वो चेयरमैन है, वो अभी हॉस्पिटल में है, वो डाई कर रहे हैं, ये सब चीजें दिखा रहे होते हैं।